Good morning students, class 9th students, good morning all of you. I hope all are well. See the students, in this I started previous video about the introduction of democracy. That discussion between the teacher and the student. Ek teacher aur student ke beech mein jo samand jisko bolte hain, argument jisko bolte hain, that was as I explained you already. Aaj apan kya lenge? Today what we will start? Today we will start that what is the definition of democracy? Democracy ki paribhasha kya hai? That we will see today. Students, you know that this what you call definition of democracy, apan ye kar sakte hain simple way mein. That democracy is the forum of government in which the rulers are elected by the people. ये एक simple definition अपन लेते हैं. Democracy is the forum of government. मतलब democracy ऐसी सरकार है in which जिसके अंदर rulers are elected by the people. जो लोग rule करेंगे, जो लोग देश चलाएंगे, वो इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे. ये मतलब इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है. स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट अगर हैं तो अपन उसको डेमोक्रेसी कह दें, और अगर वो नहीं हैं तो अपन इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहें. ऐसा इतना इजी नहीं है. इसके अंदर अपन को बहुत कुछ ये सोचना पड़ेगा कि जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर हैं और जो रूलर हैं वो कौन है. दैट वी हैव टू सी. स्टूडेंट्स, यू सी हियर दैट द कंट्री लाइक म्यांमार, देयर इज नो डेमोक्रेसी बिकॉज रूलर्स ऑफ म्यांमार इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. सेकेंड थिंग, वी कैन से द चिली, देर इज नो इलेक्टेड रूलर्स, द रूल इज डन बाय द नॉन इलेक्टेड लीडर्स रूलर्स. लाइक दैट इन सऊदी अरब, सऊदी अरब में कोई इलेक्टेड रूलर नहीं है जो वहां के ऊपर देश के ऊपर शासन करे. वहां पर भी बिना इलेक्ट किए जो राजा होता है उसका शासन वहां पे चलता है. सो वी कैन सी हियर स्टूडेंट्स दैट ऑल दीज कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री. लेकिन अगर हम ये बोल दें कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो कई जगह कई कंट्री ऐसी हैं जहां पे रूलर्स जो होते हैं वो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो दूसरी विशेषताएं हैं वो डेमोक्रेसी के बराबर नहीं है. सो वी कैन नॉट कॉल द ऑल द कंट्रीज डेमोक्रेटिक वेयर पीपल आर पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स. जहां पे पीपल्स के द्वारा चुने गए रूलर्स हैं, हर देश को अपन डेमोक्रेटिक देश का दर्जा नहीं दे सकते. वी कैन नॉट से एवरी कंट्री इज रूल्ड बाय द इलेक्टेड पीपल rulers, so that will be the democratic country. That we cannot say. Student, you see that this simple definition is not adequate. इसीलिए अपन ये कहते हैं कि ये जो simple definition है, that democracy is form of government in which rulers are elected by the people, ये जो simple definition, ये जो simple परिभाषा है, ये काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है. Now you see that if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election is democratic. Agar maan lo apan isi ko base maan ke chale ki rulers are elected by the people, to kya hoga, duniya mein jo desh hain jahan jahan bhi election hote hain, iska matlab wo desh jo hai wo democratic country kehlayega. That would be very misleading. Ye misleading hai. ये प्रॉपर, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डिफाइन द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का दिस इज नॉट द प्रॉपर वे. एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी.
आपकी इसी बुक में फर्दर वी विल रीड दैट इन द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे वांट टू बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ज्यादा से ज्यादा देश दुनिया के ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको डेमोक्रेटिक कंट्री का दर्जा मिले, इवन इफ इट इज नॉट सो, अगर वो है नहीं, क्योंकि वहां पे कई कार का दैट कई फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की, कई शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर पाते, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स दैट हाउ दे कैन फुलफिल। स्टूडेंट, दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेसी। एक अपन को इसमें भिन्नता का पता लगाना है, वी हैव टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द कंट्री दैट इज रियल डेमोक्रेटिक कंट्री और वन कंट्री दैट प्रिटेंडेड टू बी द डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी जैसा दिखना और एक डेमोक्रेसी जैसा होना, इसमें फर्क रहता है। तो एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, दूसरी कई कंट्री ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक तो नहीं है लेकिन लगता है कि वो डेमोक्रेटिक जैसा हैं। नाउ यू सी दैट वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। इसलिए अपन को क्या है, जो डेफिनेशन दी गई है द फोरम ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसके अंदर कितने पॉइंट आते हैं, इन पॉइंटों को एक एक पॉइंट को अपन जब समझेंगे तभी अपन को पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है। इसके लिए अपन को तीन चार पॉइंट जो है इस डेफिनेशन के अंदर जो पॉइंट हैं उनको अपन को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यू सी दैट हियर वन मोर थिंग इट इज देयर दैट हु आर द पीपल, मतलब अपन यहां पे ये देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, जो डेफिनेशन अपन ने दी है दैट उस डेफिनेशन के अनुसार उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको अपन को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यू सी दैट हु आर द रूलर्स, पहला ना रूलर्स कौन हैं, हु आर द रूलर्स, देश को चलाने वाले कौन हैं, ये अपन को क्लियरली पता करना होगा, उसके बाद ही अपन उसको बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा पॉइंट है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल है ना, तो इलेक्टेड वर्ड जो है इलेक्शन वो किस तरीके के इलेक्शन होने चाहिए जिसको अपन डेमोक्रेसी कहेंगे और किस तरीके के इलेक्शन होते हैं जिसको अपन नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे, तो ये भी अपन को देखना पड़ेगा। थर्ड है द पीपल, लोग कौन से हैं जो लोग रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में वोट देते हैं, कौन से लोग हैं वो अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड लास्ट इज फोरम ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरीके की गवर्नमेंट वहां पे होती है, दैट वी हैव टू सी। नाउ यू सी द स्टूडेंट मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, अब देखो ये जो रूलर्स होते हैं वो कौन होते हैं डेमोक्रेसी में, इसके लिए अपन अब पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या हैं। तो डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को अपन डिटेल में देखेंगे, देन ओनली वी कैन से दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री और दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ यू सी द स्टूडेंट एक एक उदाहरण के साथ में आपको ये फीचर समझाए गए हैं बुक में। फॉर एग्जाम्पल मेजर डिसीजंस बाई इलेक्टेड लीडर्स, मतलब जो रूलर्स होते हैं वो होने चाहिए जो मेजर बड़े से बड़ा डिसीजन जो होता है वो लेने का उनको अधिकार होना चाहिए, तभी अपन कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहां पे अपन को एक एग्जाम्पल दिया गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ 1999 के अंदर उसने क्या किया, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की उसको ओवरथ्रो किया और उसने खुद जो है वहां पे उसका कंट्री का मतलब चीफ बन गया था,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। सारे पावर उसने ले लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां थी नहीं। अब नाउ यू सी दैट थोड़े समय के बाद जनरल मुशर्रफ ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें थोड़ा बदलाव किया और एक रेफरेंडम किया 2002 में, और उसके अनुसार उसको 5 साल राज करने का मौका मिल गया। और मतलब 1999 से लेकर 2002 तक तो वो एग्जीक्यूटिव रहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव रहा था पाकिस्तान का। उसके बाद में 2002 में ही वेंट फॉर द रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है योर दिस ए पर्सन यू लाइक हिम यस और नो, आपका जवाब यस और नो में होना चाहिए। तो उसने एक रेफरेंडम करवाया था कि क्या मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता हूं, तो उसके लिए उसमें यस और नो था, लोगों का रेफरेंडम करवाया उसने। जब वो वोटिंग हुई तो उसके अंदर जनरल मुशर्रफ जो है वो जीत गया था, एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। स्टूडेंट्स यू सी दैट पाकिस्तान मीडिया और ह्यूमन राइट्स जो भी थे, इन्होंने इस रेफरेंडम का क्रिटिसाइज किया था, इसकी आलोचना की थी। दे सेड दैट दिस रेफरेंडम इज नॉट इन प्रॉपर वे, ये रेफरेंडम जो है वो प्रॉपर वे के अंदर नहीं है, ये इसके अंदर मतलब मिसयूज किया गया है, इट इज नॉट इन ए प्रॉपर वे। सो पाकिस्तान मीडिया एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस दे क्रिटिसाइज दिस स्टेप ऑफ द मुशर्रफ। नाउ यू सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल असेंबली एज वेल एज प्रोविंसेस। पाकिस्तान में प्रोविंसेस माने जाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं वैसे वहां पे प्रोविंसेस होते हैं, तो उनकी सरकार अलग होती है और एक होता है सेंटर जिसके उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो वो जो प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नेशनल असेंबली जो है उसको डिसमिस करने का अधिकार मुशर्रफ को प्राप्त हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर लिया था, अमेंडमेंट कर लिया था, और आफ्टर दैट अमेंडमेंट उसने क्या किया कि जो पावर थे प्रेसिडेंट के वो बढ़ा दिए थे कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द इलेक्टेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जब पावर उसने ले लिया और उसने क्या किया कि वहां पे प्रोविंशियल इलेक्शन करवाए, फिर उसके अंदर वो डिफीट हो गया था, उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी, किसको, मुशर्रफ को। बट फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ। उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मेजोरिटी तो मिल गई थी, मतलब वो जो दूसरे लोग थे वो जीत तो गए थे, लेकिन उनका पावर और जो मेजर डिसीजन लेने की जो पावर अधिकार है वो खाली मुशर्रफ को था या फिर आर्मी के टॉप जो ऑफिसर्स हैं उनको था, बाकी प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये पावर नहीं था। क्लियरली देर वाज रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। इससे साफ जाहिर होता है कि जनरल मुशर्रफ की जो सरकार थी उसको अपन डेमोक्रेटिक सरकार क्यों नहीं कह सकते। इसका मेजर कारण ये है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है देश की रक्षा का या देश के और चीज़ों के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मुशर्रफ के हाथ में था और आर्मी के लीडर्स के हाथ में, नेताओं के हाथ में था या ऑफिसर्स के हाथ में था, वो उन लोगों के हाथ में नहीं था जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है कि जो रूलर्स थे वो जिन्होंने पब्लिक ने उनको चूज कर कर भेजा था, उनके हाथ में ये अधिकार नहीं था कि वो देश के लिए कोई निर्णय ले सकें। तो जब वो निर्णय नहीं ले सकते हैं तो देर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। अगर उनको पावर ये अधिकार हो कि वो निर्णय ले सकते हैं देश के लिए तो उनको अपन बोलते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन
यहां पे डेमोक्रेसी का जो पहली विशेषता है दैट इज नॉट फुलफिल्ड, पहला पॉइंट जो है वो सही नहीं है कि इन डेमोक्रेसी इलेक्टेड रूलर्स हैव द राइट टू टेक द मेजर डिसीजंस, जो पाकिस्तान के एग्जांपल से अपन को पता चलता है कि वहां का जो मेजर डिसीजन था वो टेकन बाय द मुशरफ ओनली, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। सो हियर वी कैन सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डिसीजन पावर किसके पास होना चाहिए? दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज रूलर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ही अपन उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैनोट से इट एज ए डेमोक्रेसी। सो टूडे स्टूडेंट्स, अप टू हियर आई विल एक्सप्लेन यू।